वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आज मैं आप लोगों को दिल्ली का कमल मंदिर दिखाने वाला हूँ और आप लोग चलिए तैयार होकर फिर मिलते हैं आप लोगों को उसी लोकेशन पर। चलिए फाइनली अपने लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। आप लोग देखिए, मुझे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं होती। आप लोग देखिए और मज़ा लीजिए। यहाँ पर काफ़ी सुंदर पार्क है जहाँ पर आप लोग घूम सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी तरह के फूल भी हैं। देखिए आप लोग, चलिए आप लोग सीधा एक बार कमल मंदिर दिखाता हूँ दूर से कैसा दिखता है। चलिए जूम करते हैं एक बार। यहाँ पर जूतों के लिए थैली ली जाती है, थैली ले सकते हैं आप यहाँ से। ये यहाँ पर जूते रखने के लिए जगह होती है। चलिए चलते हैं सीधे ऊपर, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि ऊपर से कैसा दिखता है। इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लगता है। आज काफ़ी भीड़ है, आप लोग देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। चलिए आप लोगों को एक बार अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार दिख रहा है अंदर से। इस ब्लॉग में मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ पार्ट्स हटाने पड़े बीच में से, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए इस ब्लॉग को मैंने छोटा करा है। चलिए आपको एक बार को फिर दिखाता हूँ कि कमल मंदिर किस प्रकार दिखता है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग घर पर। अभी आ चुका हूँ। आप लोगों ने आज का ब्लॉग देखा होगा। आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को कमल मंदिर दिखाया है और आप लोग मुझे ये बताएं आप लोगों को कैसा लगा। आज मैंने अपने ब्लॉग में वेस्ट से वेस्ट एडिटिंग की है और आप लोग मुझे देख के ज़रूर बताएं कि मेरी एडिटिंग कैसी लगी आप लोगों को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा -टा।